अनवर भाई, आपने कुछ नोटिस किया जब आप पहाड़ चढ़ रहे थे? या मैंने एक चीज नोटिस की जो मैं अपने दोस्तों के साथ कश्मीर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। लोगों से आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। तो जी, हमने डिसाइड किया कि हम खिलनमर्ग तक जाएंगे और हम चढ़ रहे हैं इस टाइम पहाड़ पे। देखते हैं कैसा क्या रहेगा ये। किस साइड भाई? ये ज्यादा ऊंचा नहीं लग रहा है? हैं? इस साइड चलते हैं। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली शायद यहाँ पे कल बारिश हुई है तो ये जो रास्ता है ये पूरा गीला है। तो हम चलते हैं आगे और आपको मिलते हैं। हाँ, तापोरिया खसो। तो हम अभी चल ही रहे हैं आगे। काश बारिश नहीं हुई होती, कुछ मजा ही आता। लेकिन वो अल्लाह ताला की रहमत है, जो अल्लाह ताला चाहे तब कर सकता है। ये देखिए अनवर भाई का। अनवर भाई पहले ही पहुंच गए। और क्या। तो एक चीज दिखानी है मेरे को आपको। जब हम रास्ते में चल रहे थे तो मेरे को एक चीज़ मिली, तो मैंने सोचा कम से कम बाहर वाले दोस्तों के लिए तो शेयर करूं। मेरे कश्मीरी दोस्तों ने तो बहुत देखा होगा ये। ये है जी जहाँ पे जो भेड़ वगैरह चराते हैं, भेड़ बकरियाँ गाय जिनको हम कश्मीरी में गुजर बोलते हैं, तो उनका ये घर था। हमने सोचा था यहाँ पर चाय वाय पी लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंद है। वरना मैं आपको अंदर वाला इसका दिखाता, किचन वगैरह कैसा है। तो ऐसा होता है ये जी, लेकिन इनका पूरा कंप्लीट होता है ये किचन, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जो पड़ती है गुलमर्ग में उस टाइम ना ये घर पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। आई मीन टू से कि बर्फ़ इसके ऊपर होती है। हाँ, तो फिर जो ये होते हैं ये यहाँ से निकलते हैं, किसी दूसरी जगह चलते हैं। ये हो गया जी इसका छत, ये देखिए। और यहाँ से देखिए आसमान कितना क्लियर दिख रहा है। इतनी शांति है यहाँ पे, मेरे को जो घड़ी की सुई है उसकी टिक टिक भी सुनाई दे रही है। जबरदस्त। चलो चलते हैं आगे। अनवर भाई, एक चीज दिखानी है तुम्हें, ये देखो। हाँ। क्या है बताओ? डिश टीवी यार। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला।
मतलब डिस्टीवी की सिग्नल यहाँ पे भी आती है, जबरदस्त। जब आप गुलमर्ग में आओगे तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा होटल लेने हैं, मीडियम, बिलो और क्या बोलते हैं इसको, हाई। जो लो वाले होटल है वो आपको 15 से 2000 तक मिलेंगे, जो मीडियम है वो आपको मिलेंगे कम से कम 3 से 4000, और जो हाई रेंज वाले होटल्स हैं वो आपको मिलेंगे 10 to 15000 पर नाइट। और उसकी एग्जांपल एक ये है, ये होटल खाइबर है, तो इसकी व्यू भी ज़बरदस्त है। और आप अगर आना चाहोगे तो यहाँ पे भी आ सकते हो, और इसकी जो पर नाइट है वो 10,000 to 15,000 मिलेगी आपको, लेकिन सारी फैसिलिटीज़। चलो अनवर भाई, तो अनवर भाई कैसा रहा आज का व्लॉग? बिल्कुल बढ़िया, मजा आया। आपको क्या लगता है कि सवेरे निकलने में फायदा है? बिल्कुल फायदा है। हाँ जी, ताजी फायदा है, क्योंकि जल्दी पहुंच जाते हैं। क्योंकि अभी 9:30 हो गया। अभी हम जाएंगे और एक जगह देखते हैं रास्ते में क्या क्या रहेगा। और अनवर भाई आपने कुछ नोटिस किया जब आप पहाड़ चढ़ रहे थे? या मैंने एक चीज नोटिस की जो मैं अपने दोस्तों के साथ, हम बोरिंग हो गए। दूसरी चीज कुछ जो आपने नोटिस की होगी? हम चढ़ नहीं सकते। अरे अनवर भाई, जो मैंने मेन चीज नोटिस की वो थी ये कि जगह जगह पे वाटर बॉटल्स है और पॉलिथिन्स है, लोग लेस खाते और बाहर फेंक देते। आप मेरे को बोलो ये क्या अच्छी बात है कोई है? मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जहाँ पे भी जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गुलमर्ग, आप जहाँ पे भी जाओ, जो पॉलिथिन्स वाटर बॉटल्स है, जो कोई भी पॉली बैग है, उसको आप ऐसे फेंको मत प्लीज, कि डस्टबिन में रखो और वहाँ पे फेंको, क्योंकि ये नेचर है। हम आए आज, हमें मज़ा आया, आप भी आओगे आपको भी मज़ा आएगा। ये चीज़ हमें उठाने वाली है, ऐसे हम पॉलीथीन फेंकेंगे, ये चीज़ें करेंगे तो इसमें मज़ा नहीं रहेगा, प्लांट्स खराब हो जाएंगे फिर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कि और क्या क्या रहेगा हमारे इस व्लॉग में। यहाँ पे भी आप रुक सकते हो फैमिली वगैरह के साथ, हिल चैप। ये देखिए जी, तो ये देखिए जी, ये राइड आप बुक कर सकते हो। आई लव गुलमर्ग, जबरदस्त जी जबरदस्त। एक कैफे है यहाँ पे, आप रुक सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो, लंच वगैरह कर सकते हो। ये आ गीजिए एक और, वाह जी वाह। तो गुलमर्ग में आप आ सकते हो, यहाँ पे काफी जगह घूमने वाली है, पूरा एक डेढ़ दिन लग सकता है यहाँ पे। पहले तो आप स्ट्रॉबेरी वैली जा सकते हो, चिल्ड्रंस पार्क जा सकते हो, और आप जा सकते हो आरू वैली जा सकते हो, और एक जगह है यहाँ पे म्यूजियम इन्होंने बना रखा है, महाराजा हरि सिंह का जो पैलेस है वहां पे जा सकते हो, और गोल्फ कोर्स भी है वहां पे भी जा सकते हो। तो जगह है काफी घूमने वाली, जो नेचर को पसंद करता है वो तो यहाँ पे आ ही सकता है, मजा है उनके लिए, तो मजा है यहाँ पे। और काफी सारा रोड भी चौड़ा कर रखा है इन्होंने, पहले जब हम आते थे तो इतना सा रोड था, अब इन्होंने ये इतना चौड़ा कर रखा है रोड, तो गाड़ियों वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छी बात यह है, जो घोड़ा वोड़ा राइड करेगा, पौनी जो लेगा, उसको इस साइड चलना है, इस साइड वो आराम से चल सकता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और ये पूरा रोड आपको जहाँ पे भी आपको जाना है वो कनेक्टिंग है, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे, कस बजे 10:15, और देखो टूरिस्ट आने लगे हैं अब, और लोकल होने का यही फायदा है कि हम जा रहे हैं, तो अगर पॉसिबल होगा हम लंच घर पे करेंगे इंशाल्लाह, हैं इंशाल्लाह। पीछे देख रहे हो हैं क्या दिख रहा है? बहुत ही अच्छा व्यू है, क्लाउड्स आ रहे हैं ब्रो, ये देखो टूरिस्ट। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, वेलकम वेलकम। ये जी है गुलमर्ग, आए हैं मजे करने के लिए, आप भी आ जाओ।
कौन छू गा सुन अच्छा बो बो छांडा हंद मगर ये त्रोवक ना अंदर के और ये कर बंद लवाचस बुची नी कश्मीरी मां यार अल्लाह तने सेहत आइस जी टू 20 की जगह 2 हो गया ब्रो दो ही मुल्क आए थे सो यही जगह है यहाँ पे गुलमर्ग में घूमने के लिए और मीटर्स भी किलोमीटर्स भी दे रखे हैं तो ये वाला बोर्ड लगा रखा है मेन स्टैंड पे तो जैसे आप एंटर करो यहाँ पे देखो कहाँ पे क्या जाना है उसी हिसाब से आप घोड़ा ले सकते हो या अपनी कार में भी जा सकते हो और उतना ही पैसा आप दे सकते हो और ये टूरिज्म की तरफ से है ये वाले रिजॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे आपको बुकिंग के लिए भी आप नंबर हेलो और वेबसाइट पे आप जा सकते हो ये ओके जी तो हम पीने लगे हैं कि चाय अब चाय पी के निकलते हैं घर की तरफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह लंच घर पे करेंगे तो मैंने ले रखी है चाय और मैंने ले रखे है समोसा डॉक्टर ने खाया है चाय और वो क्या नाम उसका बोलते हैं चलो मिलते हैं जी आगे तो चलो फिर चलते हैं घर की तरफ इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं क्योंकि लंबा व्लॉग ज्यादा लोग देखते नहीं है और आप भी बोर हो जाओगे तो मैंने सोचा कि इतना ही रखते हैं इस व्लॉग को छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा और हम घर की तरफ चलते हैं और रास्ते में कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाएंगे और हम मजे करके जाएंगे तो जैसे ही आप गुलमर्ग की तरफ जाओगे तो आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है बेंच साइट नंबर 7 ऑल्टीट्यूड 2575 मीटर्स तो आप यहाँ पे एक रिलैक्स चिल आउट कर सकते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लेकिन काइंडली यहाँ पे लिखा रखा भी है थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड पॉलिथिन इज प्रोहिबिटेड लेकिन देखिए कब सुधरेंगे हम कोई फर्क नहीं है हमें तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से चिल आउट कर सकते हैं सेल्फी ले सकते हैं चाय का एक कप भी पी सकते हैं अगर आपके साथ है लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए ये नेचर है हमारा और यहाँ पे व्यू वैसी है जबरदस्त शानदार तो हम यहाँ पे रुके थे हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हैं जो गुजरात से है इनका विजिट है कश्मीर में हाँ जी कैसे क्या हाल चाल है जी बस ठीक ठाक है मस्त है मस्त एकदम कब आए आप कश्मीर मेरे आने से अभी चार दिन हो गए आप कहाँ से हो जी गुजरात से गुजरात तो आपने कहाँ कहाँ विजिट किया अभी भी मैंने सीधा निकला वहाँ से पंजाब गया था पंजाब से सीधा जम्मू आया अच्छा जम्मू में वो पहलगाम गया था पहलगाम गया कैसा लगा आपको बहुत बढ़िया पहलगाम मजा आया आपको पहलगाम बहुत मस्त जगह है कहाँ कहाँ गए पहलगाम में आप पहलगाम में जो सब वो दिनो वैली गया भाईसरन गया था मस्त एकदम बढ़िया न्यूज मिनी स्विट्जरलैंड है ना मिनी स्विट्जरलैंड वहाँ भी गया और आप बताइए आप ये फर्स्ट टाइम जा रहे हो गुलमर्ग ये गुलमर्ग फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अच्छा तो आप फर्स्ट टाइम जाओगे गुलमर्ग यहाँ पे जैसे आप स्टैंड पे पहुँचोगे वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है स्टैंड पे जेके टूरिज्म का तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन जगह क्या क्या है तो अवॉइड कि आपको कोई ज्यादा चार्ज ना करे कुछ ना करे क्योंकि मीटर्स और किलोमीटर्स ले रखा है वहाँ पे तो आप जाओ आराम से करो और अभी तक कश्मीर कैसा लगा बहुत बढ़िया मस्त मजा आ रहा है लोगों से आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छा है लोग भी बहुत बढ़िया हेल्पफुल है आप खुद अपनी गाड़ी से आओ कि ड्राइवर अपनी गाड़ी से ही आपको कोई भी दिक्कत होगी हम कश्मीरी आपके साथ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं कश्मीरी का हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आओ क्योंकि हमारे जो भाई है टूरिज्म फॉर एग्जाम्पल जो बस वाले हैं शिकारा वाले हैं होटल्स वाले हैं वो आइए यहाँ पे और उनकी ग्रोथ भी हो जाएगी कश्मीर भी आगे जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जाइए चिल आउट कीजिए अच्छा लगा आपसे मिलकर थैंक यू सो मच ये थे हमारे भाई जो गुजरात से है और यहाँ भाई हमारे साथ और मिले हैं हाँ जी भाई जी क्या हाल चाल है बढ़िया बढ़िया आप कहाँ से हो जी
गुजरात से। आप भी गुजरात से हो? सेम। थैंक यू सो मच कश्मीर आने के लिए, बहुत मजा आया। आप कीजिए, एंजॉय कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो किसी भी आप लोकल से बात कर सकते हो, या JKP भी है आपके हेल्पफुल, हम रेडी है आपके लिए। आइए कश्मीर, बहुत मजा आया। चिल आउट कीजिए जी। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे भाई, मिलते हैं आगे।